ने ना लवाई के साथ साथ इसको काट भी दिया है। यह है हल्की हल्की, इससे पहले ना बूंदा बांदी हो रही थी। तो हल्का हल्का ना भी मम्मी की आंखों। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है किरण नेगी और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल किरण नेगी व्लॉग्स में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत ना सुबह के 9 बजे से हो रही है। और दोस्तों, आज के मौसम की बात करी जाए तो मौसम भी आज काफ़ी मस्त हो रखा है। आज का व्लॉग भी ना मैं अपने मायके से ही बना रही हूँ और अभी हमारी तैयारी हो चुकी है खेत में जाने की। तो मम्मी भी ना कल आ चुकी है घर पे, तो मम्मी की तबीयत अभी अच्छे से, मतलब अभी मम्मी ठीक नहीं हुई है ढंग से। तो मम्मी की आंखों में ना अभी भी प्रॉब्लम है, मम्मी को धूप से, धुएं से और भारी वजन उठाने से सबसे मना किया है। तो मम्मी अभी कुछ भी काम नहीं कर रही है, तो मुझे ही करना पड़ रहा है अभी भी। तो दादी और दादा जा चुके हैं खेत में झंगोरे की लवाई करने के लिए। तो मैं दिखाती हूँ आपको मम्मी को, और मम्मी की आंखों में ना अभी भी थोड़ा सा दर्द हो रहा है, तो चलो दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए, अभी ना मम्मी की आंखों पे काला चश्मा लगा हुआ है, दर्द भी हो रहा है। तो हल्का हल्का ना भी मम्मी की आंखों में दर्द है। तो मम्मी अब कल आई घर पे, तो देख सकते हो आप लोग। और आँखों की बात है तो आँखों में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, काम करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो इसलिए मैं यहीं पे हूँ। तो अभी दादी और अम्मू भी आ रखा है यहाँ पे, तो मैं और दादी जाएंगे अभी खेत। देखो दादी, अभी ना मैं और दादी आ चुके हैं देखो खेतों में, और हम ना झंगोरे की लवाई करने जा रहे हैं। तो आज भी ना दादी हमारे साथ आ रहे हैं झंगोरे की लवाई करने। तो पहाड़ों में ना यही होता है कि जब किसी का काम नहीं होता है तो सब आ जाते हैं उसकी मदद करने के लिए। तो इस बार ना मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तो दादी भी आ रही है हमारे साथ हमारी हेल्प करने के लिए। तो चलो फिर चलते हैं। और अभी ना और भी आ रहे हैं कोई, तो सबको दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। बाकी यहाँ पे रास्ता इतना बेकार हो रखा है ना, घास इतनी लंबी हो रखी है और फिसलन इतनी ज़्यादा हो रखी है, तो संभल संभल के जाना पड़ रहा है। तो ये देखो, हम ना पहुँच चुके हैं झंगोरे के खेतों में, और यहाँ पर ना कितना मस्त झंगोरा हो रखा है, पूरा पक चुका है। तो मैं और दादी आ रहे हैं और संभल संभल के जाना पड़ रहा है, क्योंकि ना रास्ते में इतनी लंबी घास हो रखी है। तो चलो फिर चलते हैं। और दादी और दादा शायद उधर साइड को हैं, तो इतने सारे झंगोरे की आज हमें पूरी लवाई करनी है। खेत में आते ही ना मेरी ड्यूटी लग गई है झंगोरा घर ले जाने की, तो दादा और दादी ने ना इतने झंगोरे की लवाई कर दी है। तो दादी भी चले गए हैं ऊपर इनके साथ झंगोरे की लवाई करने के लिए। तो मैं जाऊँगी इसको रखने घर, और घर से पानी वगैरह भी लेके आऊँगी। घर पे है मम्मी, तो खाना पीना आज ना मम्मी बनाएगी, तो खाना पीने की टेंशन नहीं है, बस आज झंगोरा सारने की टेंशन है मेरे को। ऊपर ले जाना, मतलब यहाँ से सीधे घर तक पूरा चढ़ाए है, तो वहाँ तक इसको ले जाना है मेरे को। तो मैं ना एक कट्टा झंगोरा लेके आ गई हूँ, और यहाँ पे मम्मी फैला रही है इसको, क्योंकि ये ना हल्का गीला हो रखा है। तो अभी देखो धूप लग गई है, तो मम्मी को ऐसे ही करना पड़ रहा है काम, चश्मा पहन के, क्योंकि नहीं तो आँखों में ना धूल चले जाएगी, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मम्मी को आज घर के ही काम करना है। पसीने से मेरी इतनी बुरी हालत हो गई है कि क्या ही बोले। तो फिर से जा रही हूँ अभी मैं खेत में, और आज ना दिन भर मेरी यही ड्यूटी है झंगोरे का कट्टा लाना। अभी तो वहाँ और भी आगे हैं, दो लोग और आगे हैं झंगोरे की लवाई करने के लिए। तो चलो चलते हैं, और पता नहीं आज मुझे कितनी आफत आने वाली है। इतनी चढ़ाई से तो मुझे ना सबसे नीचे जाना है, जहाँ गौशाला दिख रही है उसके थोड़ा इधर पे। तो चलो फिर चलते हैं। और अब मौसम ना अभी थोड़ा ठीक हो गया, मतलब धूप चली गई है, तो उतने गर्मी नहीं लग रही है। यहाँ पे ना अभी बुआ लोग भी आ चुके हैं हमारे झंगोरे की लवाई करने के लिए। तो ये तो फोन पे व्यस्त है, और भी आए हैं दादी लोग, ताई भी आए हैं। तो अभी ना हमारे झंगोरे की लवाई ख़त्म होने वाली है, तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आज ना झंगोरे की लवाई हो जाएगी पूरी। तो ये देखो, इधर साइड भी हैं कुछ लोग, और ऊपर के ना दो खेत बच रखे हैं, और मेरी ड्यूटी है झंगोरा घर ले जाने की। तो फिर से मुझे एक कट्टा भी झंगोरा घर रखना है। चलो फिर फटाफट चलते हैं। और अभी ना मौसम भी काफ़ी ख़राब होने लग गया है, तो क्या पता बारिश आ जाए। अभी ना दोस्तों मैं आई हूँ गधेरे पे एक आध भैंसों को पानी पिलाने के लिए। तो मैं और मम्मी आए थे, पर मम्मी ना घर चले गई बैलों को लेके। तो भैंस ना अभी यहाँ पे पानी पी रहे हैं, तो ये देखो, और इतना ठंडा हो रखा है ये पानी। तो अब ना भैंसों को भी ले जाऊँगी मैं घर पर, और फिर ना मुझे खेत भी जाना है। अभी जो खेत में झंगोरे की लवाई कर रहे हैं उनके लिए चाय और रोटी ले जाना है। अभी ना मैं यहाँ पे इनके लिए चाय और रोटी लेके आ गई हूँ। तो ये देखो, अभी सब लगे हुए हैं काम पे, तो इन्होंने ना लवाई के साथ साथ इसको काट भी दिया है।
अभी ना दिन के 1 बजने वाले हैं और अभी तक भी ना हम लोग सब खेतों में ही हैं। हमने चाय वगैरह पी और अभी जो इसका घास है ना हम इसको लटकाएंगे पेड़ में, तो इसको पेड़ में डालना पड़ता है ताकि ये सूख सड़े ना। और ये गीला है, मतलब अभी ये कच्चा है तो ये सड़ता नहीं है, तो इसको ऐसे ही डालेंगे हम लोग। दादी ना यहाँ पे मेरी भारी लगा रही है और मैं इसको ना ले जा रही हूँ, क्योंकि इसको हमें उधर साइड को ले जाना है, वहाँ डालेंगे इसको पेड़ में। तो ये देखिए ऐसे लगाया जाता है पहाड़ों में घास, और 3 लोग लगा रहे हैं, एक यहाँ से दे रहा है, एक वहाँ से उधर दे रहा है। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और फिर से मेरी तैयारी हो चुकी है खेत जाने की। तो मैं ना दादी और बुआ के लिए चाय लेके जा रही हूँ, तो मैं ना अपने साथ बरसाती लेके भी जा रही हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम हो गया है। हल्की हल्की इससे पहले ना बूंदाबांदी हो रही थी, तो आज दिन में ना यार हमने बहुत सारा काम किया, झंगोरे की लवाई करी और वो घास भी काटा। तो हम ना 3 बजे आए थे घर को, मैं तो आते रही, मतलब मैं झंगोरे के कट्टे लेके आई थी घर पे। तो अभी दादी और बुआ गए हैं उन खेतों में फिर से घास काटने के लिए, और मैं ना उनके लिए चाय लेके जा रही हूँ। आज ना मेरे पाँव पे थोड़ा सा चोट भी लगी है, तो ऐसे ही चलना पड़ रहा है मेरे को, और काम भी करना ही है क्योंकि इतनी फिसलन हो रखी है, इतना घास हो रखा है ना रास्ते रास्ते में, तो संभल संभल के जाना पड़ रहा है। तो चलो चलते हैं अभी और देते हैं उन लोगों को भी चाय, तो देखते हैं मौसम अभी क्या करता है, बारिश तो शायद आएगी आएगी। तो चलिए जी, आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल आपको एक नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें। जय देवभूमि उत्तराखंड।